बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। और मेरा नाम आफ्ताब हुसैन और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल आफ्ताब जोया व्लॉग्स। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। और अल्लाह के फजल शुक्र और करम से अपने नए व्लॉग की कटने स्टार्टिंग। और आज अपने जा रहे हैं राजवी पैलेस, जो हमारे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं आपको आज वहीं पे लेके जाऊंगा। और ये मैं जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ वो मैं रास्ते से कर रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो पीछे जीप मैंने रोक रखी है और ये पीछे आप सड़क भी देख पा रहे हो कि व्हीकल चल रहे हैं। बस मुझे ये लोकेशन अच्छी लगी और मैंने सोचा क्यों ना स्टार्टिंग यहीं से करें आज अपने। और वहाँ पर मेरे मामू जी की कंपनी की मीटिंग थी और उन्होंने मुझे बुला लिया, कहते आप आ जाना साथ में, मेरी हेल्प थोड़ी बहुत करवा देना और आप इन्जॉय भी करना। और इन्जॉय हमें करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है जैसे आप लोगों को पता है। और मुझे मौका मिला तो मैं भी फिर जा रहा हूँ वहाँ पे। मैं कई बार पहले भी गया हूँ और आज भी जा रहा हूँ। पहले मैं व्लॉग नहीं बनाता था तो आपको मैंने कुछ दिखा नहीं पाया, आज मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ का राजवी पैलेस पूरा अच्छी तरह से। और ये आप सामने देख रहे हो GM रिजॉर्ट, ये भी काफ़ी शानदार है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और आप सामने देख रहे हो राजवी पैलेस और अब अपने इसके अंदर जा रहे हैं। और आप देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी सुंदर है ये और काफ़ी अच्छे इन्होंने पौधे लगा रखे हैं। और अपने को गाड़ी अब पार्किंग में रोकनी है तो अपने को राइट यहाँ से लेना पड़ेगा और अपने राइट लेके और पार्किंग के अंदर गाड़ी जीप रोक देंगे। जीप उन्होंने यहाँ पे रोक दिया है और अपने अब जाएंगे आगे। जैसे आप देख रहे हो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है ये। और ये मैरिज ग्राउंड है, जो भी शादी का प्रोग्राम होता है वो इसी ग्राउंड के अंदर होता है। और ये आप होटल देख रहे हो राजवी होटल, माशाल्लाह काफ़ी सुंदर है दिखने में, पूरा रॉयल थीम पे ये बना हुआ है। और ये गार्डन है। और ये भी आप मीटिंग हॉल देख रहे हो, इसी के अंदर मीटिंग्स वगैरह होती है सारी। और इधर आप रेस्टोरेंट देख रहे हो सामने, ये बोर्ड पे भी देख रहे हो लिखा है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है। और जैसे आप देख रहे हो कि अपने आगे हैं राजवी पैलेस के अंदर, और यहाँ पे पैलेस भी है और रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, यहाँ पे सब कुछ है, ऑल इन वन है ये। और ये आप देख रहे हो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पीछे जो सूर्य महल लिखा हुआ है, और वो सामने जो मीटिंग हॉल है वो चंद्र महल है। और अपने चंद्र महल के अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे आगे। और आप ये सामने देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कलर कर रखा है इन्होंने, कलर बोले या क्या बोले मुझे समझ नहीं आ रहा खुद को, कि ये काफ़ी अच्छे फूल पत्तियां से बना रखी है, पूरे सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अगर आप रियल में देखोगे आपको ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और अच्छी इतनी अच्छी लाइटिंग कर रखी है इन्होंने। ये आप सामने जो पर्चीज देख रहे हो इसको फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पर कूपन भी निकलेंगे। और जो ये एक्टिवा है ये फर्स्ट, जो सबसे पहले जिसको कूपन निकलेगा ये उसको मिलेगी। और बाकी ये भी और भी सामान है, टोटल 151 आइटम्स है और भी यहाँ पे सामान लग जाएगा थोड़ी देर में। बाकी लाइटिंग वगैरह भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। और आप ये जो सामने अब देख रहे हो मेरे मामू जी हैं, ये जो कोट पैंट के अंदर हैं, ये थोड़ा बिजी थे इसलिए मैंने आपसे मुलाकात नहीं करी इनकी। और आप ये सामने पीस बर्ड्स देख सकते हो यहाँ पैलेस के अंदर, ये थे, ये तो मुर्गी वगैरह है, ये तो फिर भी मैंने देखी है कभी कभी। और ये देखो, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये क्या सिस्टम है और इसका पता नहीं क्या नाम है, इसका मुंह का नहीं पता चल रहा, इसकी आंखें किधर है कुछ दिखा ही नहीं दे रहा। अगर आप लोगों को इसका पता है कि ये क्या है, इसका क्या नाम है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह है, आप देख सकते हो ये प्योर नस्ल लग रही है मुझे, जो गांव के अंदर होते हैं वो फिर भी इतनी प्योर नस्ल की नहीं होती, ये पूरी प्योर नस्ल की लग रही है मुझे। और ये मीटिंग स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा सा मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा देता हूँ। चाय है तो जान है और जान है तो जहान है, चाय जरूरी है। कंबल है ये, गोपन कंबल का है। और अब खाना लग गया है जैसे देख रहे हो सामने, बस इनको अब चालू करेंगे अपने, बिस्मिल्लाह करते हैं। और फाइनली एक घंटे के बाद में मीटिंग ख़त्म हुई और अब लंच का टाइम हो गया तो अपने लंच कर रहे हैं अभी। और खाने के बाद कुछ मीठे के लिए तो फिर मैंने गाजर का हलवा खाया, काफ़ी पसंद है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अपना लंच हो गया और अब मैं बाहर आ गया था थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए कि राजवी पैलेस, क्योंकि मंदिर ही लगभग बैठा रहा था पहले तो वो मीटिंग में, बस देखते रहे हाँ भी कितने को कूपन निकलते हैं। और 151 कूपन थे और वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, काफ़ी टाइम लगा। और अब मैं बाहर हूँ, आप देख सकते हो ये सामने होटल है, ये जो इधर
और जो वो सामने वाला है वो था मीटिंग हॉल, और इधर जो रेस्टोरेंट है, और अपने ग्राउंड में बैठे हैं वैसे पार्क में। और ये जो इसका हॉल है ना वो काफ़ी अच्छा है, पूरी ऐसे रॉयल फील दे रहा है ये, क्योंकि इसका ये काफ़ी पुराना भी है फिर भी ये लगता नहीं कि ये काफ़ी पुराना बना हुआ है। बस इसका जो थीम है वो भी पूरे राजा महाराजा वाली है, पूरी रॉयल थीम है इसकी जो ये पैलेस की। और माशाल्लाह काफ़ी सुंदर पैलेस है ये, मैं तो काफ़ी बार आया हूँ यहाँ पे, बाकी विद फैमिली मैं नहीं आया, पापा काफ़ी बार आए हैं, मैं काफ़ी बार आया हूँ। मैंने कई बार हमारा प्लान बना है विद फैमिली आने का भी, लेकिन नहीं हो पाया, कोई ना कोई कारण आ जाता था बीच में। अब इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। और जी आप ये सफ़ेद गुलाब के फूल देख सकते हो, और यहाँ पे पपीते भी लगे हुए हैं। आप पपीता आप ये देख सकते हो सामने मेरे पीछे, ये पपीते लगे हुए हैं अभी अभी, ये कच्चे हैं, हरे हरे हैं, थोड़े से पकने के बाद ये येलोश कलर के हो जाते हैं, तब अपने बढ़िया खा सकते हैं, और मुझे काफ़ी पसंद है। बाकी जी काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, क्योंकि हरा भरा है पूरा। और यहाँ से अपने को जो टाउन का किला है वो भी दिखता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अपने इधर जाएंगे जब सामने तो अपने को किला भी दिखेगा। और यहाँ प्री वेडिंग शूट के लिए काफ़ी लोग आते हैं, अभी मैं जब आया था तब भी प्री वेडिंग शूट यहाँ पे कर रहे थे लोग। ये काफ़ी अच्छी जगह है प्री वेडिंग शूट के लिए भी। बाकी वो आप मेरे पीछे देख सकते हो सामने वो किला है वहाँ पे, जो टाउन का किला भटनेर किला जो मैंने आपको दिखाया था मेरे पिछले व्लॉगों में। और ये इधर पार्किंग है, अपनों ने जीप यहाँ पे रुकी थी। आप वो सामने देख रहे हो वो भैया और आ रहे हैं बाहर, वो प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं यहाँ पे। और जी यहाँ पे काफ़ी गानों की भी शूटिंग हुई है। आप जैसे अभी फ़िलहाल में अफसाना खान जो अपने नेशनल सिंगर हैं, काफ़ी फेमस सिंगर हैं अफसाना खान के नाम से, वो भी आए हुए थे अभी शूटिंग करने के लिए। अभी वो गाना रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा था उनकी स्टोरी में भी देखा था और वैसे भी देखा था कि वो हनुमानगढ़ के अंदर हैं, और ये इसी पैलेस के अंदर उन्होंने शूटिंग की थी गाने की। और जी इस पैलेस का नज़ारा रात को दुगना हो जाता है। मैं कई बार जब भी मैं आया हूँ, मतलब मैं लगभग रात को ही आया हूँ, दिन में तो मैं एक दो बार आया हूँ और आज भी दिन में आया हूँ, बाकी मैं काफ़ी बार रात को आया हूँ। रात को अगर ये जब ये लाइटिंग इसकी ऑन होती है सारी, तो पूरा ये एक रॉयल लुक देता है, पूरा महल लगता है बाहर से अपने देखें, अंदर से भी देखें तब भी। और जो ये पीछे ग्राउंड है, ये यहाँ पे मैरिज ग्राउंड है, ये कोई भी शादी विवाह के लिए अपने ये ग्राउंड बुक होते हैं। और ये होटल आपको मैंने बताया ही है, वो मीटिंग हॉल, और ये इधर रेस्टोरेंट है मेरे सामने। मैंने फिर से जैकेट डाल रही है क्योंकि मुझे अब जाना है घर पे, तो ठंड भी काफ़ी है, ठंडा सुबह से धूप नहीं निकली, एक मैंने किरण नहीं देखी धूप की, बस वैसे तो धुंध तो अब नहीं है, फिर भी धूप नहीं निकली बिल्कुल भी। जी पर जाने से पहले ये स्विमिंग पूल आपको दिखाना मैं भूल गया था, ये रह गया था, अब अपने चलते हैं देखते हैं इसको। और ये टाइमिंग वगैरह देख सकते हो आप इसकी, ये जी आप स्विमिंग पूल देख रहे हो, अभी पानी इसके अंदर नहीं है क्योंकि ठंड का टाइम है, और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है हमारे एरिया में अंदर। और ये आप देख रहे हो 4 फुट और 3 इंच इसकी जो गहराई है, और इधर आप जिम भी देख सकते हो, और इसमें सारी लगभग मशीनें हैं, काफ़ी मशीनें अपने को दिख रही है, जैसे आप देख रहे हो ये साइकिल वाली मशीन भी है, और ये इसका मुझे नाम नहीं पता क्या है, और ये ट्रेडमिल भी है यहाँ पे, और भी काफ़ी मशीनें हैं यहाँ पे। 2.5 फीट से लेके और 4.5 फीट तक है वहाँ तक। और आप जैसे यहाँ पे जो ये चेयर लगी हुई यहाँ पे बैठ के और चाय पीने या कोई भी लुफ्त लेने का मज़ा ही कुछ और होता है, आपको काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा यहाँ पे बैठ के, काफ़ी सुंदर लगेगा यहाँ से। राजवी पैलेस अच्छा मुझे कोई हनुमानगढ़ के अंदर पैलेस लगा नहीं, जो अपने जो आप इतनी फैसिलिटीज देगा, यहाँ पे सब कुछ है, आप स्विमिंग पूल भी देख सकते हो, और आपको होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है और सब कुछ है, और इसके एरिया है वो भी काफ़ी खुला है, पार्किंग के लिए भी खूब यहाँ पे स्पेस है, खूब जगह है यहाँ पे पार्किंग के लिए भी जी। ऑल ओवर ये ज़बरदस्त है पूरा, और यहाँ पे रूल भी बता रखे हैं पूल के रूल्स। बाकी ज़बरदस्त है, चलते अब नीचे जाते हैं अभी। और जी मैंने आपको इसका रेस्टोरेंट भी दिखा दिया है, और आपको मैंने जो मीटिंग हॉल भी दिखा दिया है, जो होटल की भी मैंने आपको बाहर से लुक दिखा दिया है, और आपको स्विमिंग पूल भी दिखा दिया है, और आपको जिम भी दिखा दिया है, इसी इसके अंदर ये कुछ ही है, और कुछ देखते हैं अपने को मिलता है तो। और जी ये होटल है राजवी होटल,
होटल के अंदर काफ़ी सारे पक्षी हैं और इनकी आवाज़ चों चों चें चें वाली काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी सुंदर हैं ये दिखने में भी। तोते भी हैं यहाँ पे और कबूतर भी हैं और चिड़ियाँ भी हैं तेरह तरह तरह की। मैं तो ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बाकी कबूतर वगैरह और मैंने तोते वगैरह तो देखे हैं लेकिन ये कलरफुल चिड़ियाँ वगैरह नहीं देखी मैंने। माशाल्लाह क्या खुदा की ये कुदरत है, कमाल है। और आप इसको देखोगे तो आपको कितना ये यार स्वीट लग रहा है, ये कितना क्यूट सा लग रहा है। मुझे ये काफ़ी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रहा था। जी होटल भी माशाल्लाह काफ़ी शानदार है, बाकी कभी अपने स्टे करेंगे, मेरा घर फिर भी पास में है, कभी फिर भी अपने वैसे स्टे करके देखेंगे इसके अंदर, पूरी इसकी फैसिलिटी यूज़ करके देखेंगे क्या कुछ है इसके अंदर, क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ है, कैसे रूम है कैसे नहीं है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जी अब टाइम हो गया है 4:15, मैं सुबह 11:30 घर से आया था और काफ़ी टाइम हो गया, अब बस मैं घर पर जा रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पर फिनिश हो गया। हाईवे पे आ गई तो इसीलिए मैं बस फ़ोन अपनी से रख दूंगा और अपनी जीप चला के घर पे चलती हैं। और जी अब मैं घर पे आ गया हूँ, शाम के 5:30 हैं और अपन ने काफ़ी इंजॉय किया, आपको मैंने खूब सारा घुमाया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, आगे शेयर करना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको जल्द अगले व्लॉग में, आप खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।